हिमाचल कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाली गई जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा बिलासपुर पहुंची, जहां से इस यात्रा को पूर्व कैबिनेट मंत्री व नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने झंडी दिखाकर सोलन के लिए रवाना किया। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख अनुराग शर्मा ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार के 5 सालों के कार्यकाल की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाना है। वहीं अनुराग शर्मा ने पूर्व वीरभद्र सिंह की सरकार के दौरान की गई घोषणाओं को वर्तमान सरकार द्वारा आज तक पूरा न किए जाने का भी आरोप लगाया है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि पिछले 5 वर्षों में जयराम की सरकार ने किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी तरह की सहायता पहुंचाने में, विकास पहुंचाने में वो नाकाम रही है, पूरी तरह से वो नाकाम रही है। और हम इस यात्रा के तहत चाहे जयराम सरकार ने वो युवा के विरोध में रही है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, बागवान विरोधी रही है, कर्मचारी विरोधी रही है, मजदूर विरोधी रही है, ऐसा कोई भी पक जो है इन वर्गों के लिए नहीं उठाया। और एक घोटाले की बहुत बड़ी लिस्ट जो है हिमाचल की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हमारे हिमाचल के नागरिकों को दी है, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, खाद घोटाला है, पेपर खरीद घोटाला है, पाइप घोटाला है, इन्वेस्टमेंट घोटाला है, जनमंच घोटाला है। तो इस सरकार में किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी तरह का विकास के आयाम को देने में नाकाम रही है। इन चीज़ों को लेकर जो है हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप जागिए, आप जागने का समय आ गया है। आने वाला फिर जो समय है एक विकास की गाथा से लिखा जाएगा। जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरेंद्र सिंह जी ने जो कार्य किए हैं, ये सरकार तो उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से पूरे प्रदेश को एक ये कमीशन एजेंट के रूप में जो है वो दलाली की है और बहुत करोड़ों रुपए के जो घपले जो किए हैं